हेलो दोस्तों, आज हम जैविक खेती तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ तकनीकें हैं जिनके द्वारा भारत में जैविक खेती का अभ्यास किया जाता है। पहली तकनीक है मृदा प्रबंधक। मृदा प्रबंधक में जैविक खेती की प्राथमिक तकनीक है। खेती के बाद मिट्टी अपने पोषक तत्वों को खो देती है और इसकी उर्वरता कम हो जाती है। जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। यह जानवरों के कचरे में उपलब्ध बैक्टीरिया मिट्टी को अधिक उत्पादक और उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। दूसरी तकनीक है खरपतवार प्रबंधक। खरपतवारों को एक महत्वपूर्ण समस्या माना, वे और पौधों से पानी, धूप और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर फसल की पैदावार कम करते हैं। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य खरपतवारों को हटा और फसल की पैदावार बढ़ाना। दो तकनीकें हैं जो खरपतवार का समाधान करती हैं। पहली प्रक्रिया में हम खरपतवारों को काट लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है, जिसमें किसान फिल्म का प्रयोग करता है। अगली तकनीक है फसल विविधता। फसल विविधता कृषि में प्रयुक्त पौधों की अनुवंशिक और फेनोटाइपिक विशेषताओं में विभिन्न होते हैं। इस तकनीक के साथ विभिन्न फसलें एक साथ उगाई जा सकती हैं। फसल विविधता भारत में सबसे प्रसिद्ध जैविक कृषि तकनीकों में से एक है। अगला आता है खेती में रासायनिक प्रबंधक। कृषि फार्म हानिकारक जीव होते हैं जो खेतों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका नियंत्रण जरूरी है। खेती में प्राकृतिक या कम रसायनों का उपयोग किया जाता है। अगली तकनीक है जैविक कीट नियंत्रण। में रसायनों के साथ या बिना कीटों का नियंत्रण किया जाता है, जीवों का उपयोग होता है। धन्यवाद।